किसके सर सजेगा सुपर पावर के ताज, कौन करेगा अमेरिका पर राज, सदारती कुर्सी पर हुक्मरानी के लिए ट्रंप और कमाला की दौड़, 270 इलेक्टोरल वोट में से डोनाल्ड ट्रंप 232 जबकि कमाला हैरिस 212 वोट लेकर उड़ी। पासा पलटने वाली रियासतों में से शुमाली कैरोलिना, वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो, एलिनॉय, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने 22 रियासतों में मैदान मार लिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमाला हैरिस 13 रियासतों में कामयाब हुई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुस्लिम वोटर्स को कायल करने में कामयाब। 2020 के मुकाबले में इस बार ट्रंप को 30% मुसलमानों ने वोट दिए। गुज़िश्ता इलेक्शन में ट्रंप को सिर्फ 6% मुसलमानों ने वोट दिए थे। यहूदियों ने इस बार ट्रंप की हिमायत नहीं की। 2020 के मुकाबले में सिर्फ 31% यहूदियों ने ट्रंप को वोट दिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहूदियों की 67% आबादी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। इलेक्शन मुनसिफाना है, हार गया तो शिकस्त तस्लीम करूंगा। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले इलेक्शंस में हमारी हालिया इंतखाब की मुहिम सबसे अच्छी रही, खुद को बहुत पुरएतमाद महसूस कर रहा हूं, हम अच्छे जा रहे हैं। अमेरिका की बड़ी रियासतों में से एक टैक्सस से पाकिस्तान उम्मीदवार सलमान बोझानी कामयाब। सलमान बोझानी मुसलसल दूसरी बार नशस्त पर कामयाब हुए। कांग्रेस के लिए वाहिद अमेरिकी पाकिस्तान उम्मीदवार अरुण बशीर पेंसिल्वेनिया में मुकाबला हार गए। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बड़ी खुशी की बात है कि हल्के के लोगों ने दोबारा मुंतखब किया। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल हल करने के लिए काम करूँगा। चाहता हूँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीकी सियासत में आगे आए। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमाला हैरिस के फोन पर वोटर से बातचीत, कैमरे की आंख ने अक्सबंदी कर ली। कमाला ने भी कैमरे को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया, कहा कि जीत करीब है, हम ही जीतेंगे, अमेरिका को अजीम रियासत बनाएंगे। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, दुनिया की नज़रें अमेरिकी इंतखाबात पर, पहले वोट से आखिरी नतीजे तक का अहवाल। सुपर पावर के इंतखाबात पर बोल न्यूज़ की सुपर ट्रांसमिशन, बैन अल-अक़वामी उमूर पर नज़र रखने वाले मायनाज तज़िया कारों के जानदार तबसरे और तज़िये। और लाहौर आज भी आलूदा, सुबह के औकात में लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। अमरीकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का इंडेक्स 1100 से तजावज़ कर गया। लाहौर में स्कूल बंद, छुट्टियां बढ़ गईं या नहीं, फैसला 9 नवंबर को होगा। लाहौर में बढ़ती आलूदगी के बावजूद शहरी मास्क लगाने से गुरेजां, पाबंदी के बावजूद चिंची रिक्शे ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों की सड़कों पर दौड़ते नज़र आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।